अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 7 मैथ्स एक्सरसाइज 19.1। तो बेटा हमारी जो मैथ्स है बुक है ना क्लास 7 की, इस पूरे बुक की ओनली यानी कि सिर्फ और सिर्फ 19.2 बाकी है। ये वीडियो तो 19.1 है, तो पूरे बुक की बाकी सब के सब एक्सरसाइजेस मैंने अपलोड कर चुका। प्ले लिस्ट में जाके इन सब वीडियोज़ आप देख सकते हैं। कुछ बच्चे तो मुझे पूछते हैं कि सर वो वीडियो डाल दीजिए, वो एक्सरसाइज की वीडियो, उस चैप्टर की वीडियो अपलोड कीजिए दीजिए। तो देखिए, आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए और यहाँ क्लास 7 मैथ्स की जो प्लेलिस्ट का नाम है इस पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे आपको क्लास 7 की मैथ्स से हट की वो सारे के सारे वीडियोज मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं 19.1। देखिए 19.1 वो बहुत ईजी है, बहुत 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 ईजी है। वो सॉलिड शेप पर है, ठीक है, 3D शेप पर है। और 19.1 मैंने यहाँ दिखा दूंगा, ठीक है। यहाँ कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, इनके आंसर मैं तो यहाँ मैच करवा दूंगा, मतलब सही ऑप्शन आपको चूज करके दे दूंगा, ठीक है। और 19.2 इसको मैं प्रैक्टिकली वो PLM से सिखाऊंगा, ठीक है। तो बेटा आज 19.1 देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट्सअप The nets can be folded to form a cube. क्यूब क्या है ये तो शायद आपको पता है। तो इनमें से चार ऑप्शन है ना, तो कौन से ऑप्शन से आप एक क्यूब बना पाएंगे? तो यहाँ देखिए, क्यूब की जो चार फेसेस होते हैं ना, मान लीजिए एक लूडो की जो डाइस है वो भी एक क्यूब की तरह है, जिसके छह इक्वल फेसेस होते हैं। तो यहाँ देखिए, सब में तो छह फेस है। देखिए यहाँ जो चारों ऑप्शंस हैं सब में छह फेसेस है, लेकिन कौन सी ऑप्शन से, मतलब यहाँ कौन सी टाइप्स की जो यहाँ फिगर है, मतलब 2D फिगर है, इसको आप फोल्ड करके एक क्यूब बना सकते हैं। तो इसकी ऑप्शन 2 है, मतलब 2 से आप बना सकते हैं। इसको मैं प्रैक्टिकली दिखा दूंगा, ये तो देख लीजिए, ये बिल्कुल इसकी तरह है ना, देखिए 2 नंबर ऑप्शन की तरह है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप इन दोनों साइज को फोल्ड करें, तो 2 फेसेस हो रहे, नीचे भी एक फेस है, इसको भी अगर ज्वाइन कर दो ऐसा, तो आप देखिए और एक फेस बढ़ गई। अगर इसको ऐसा ही ज्वाइन करो तो और भी फेस बढ़े, अब इसको ऐसे ही लगा दो तो भी देखिए बेटा कितने खूबसूरत है, क्यूब बन गए ना। ये मैंने पहले ही बना के रखा, देखिए। वैसे ही आप कागज़ के टुकड़े काट काट के इन सब प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही ये कल की तरह हो रही है, ठीक है। तो देखिए इससे बन रही है ना, इससे बन रही है, लेकिन ये अकेला एक शेप नहीं जिससे एक क्यूब बने, और भी फॉर्म है, फॉर्म हो सकते हैं जिससे आप क्यूब बना सकते हैं, ठीक है। तो ये तो 1 नंबर के ऑप्शन 2 है, तो 2 को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट 2 नंबर देखिए, व्हिच ऑफ द नेट्स, ये अच्छा इस टाइप की चीज़ को नेट्स कहते हैं। ये तो 2D है, फ्लैट टाइप है, इनको आप मोड़ के मतलब फोल्ड करके 3D बना सकते हैं, ठीक है। तो जो 2D शेप, 2D जो चीज़ मशीन की तरह, इसे मोड़ कर 3D शेप में बदल दे सकते हैं हम, इसको कहते हैं नेट, 3D के नेट। अच्छा, 2 नंबर, व्हिच ऑफ द नेट्स कैन बी फोल्डेड टू फॉर्म ए ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो बेटा ट्रायंगुलर प्रिज्म क्या है, यहाँ से आप देख लीजिए, ये होता है एक ट्रायंगुलर प्रिज्म, देखिए बिल्कुल ट्रायंगुलर प्रिज्म लग रहा है ना। अच्छा, ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है, देखिए प्रिज्म की 2 सरफेस होते हैं ट्रायंगल शेप के, और बाकी 3 सरफेस होते हैं बिल्कुल स्क्वायर की शेप की। देखिए ये जो सरफेस है, ये जो फेस है, ये क्या है, ट्रायंगुलर है, इसके ऑपोजिट भी एक ट्रायंगुलर है, और बाकी जो होते हैं ना, ये जो सरफेस है ये होते हैं ये स्क्वायर टाइप के होते हैं, कभी कभी रेक्टेंगुलर टाइप के भी होते हैं। ये भी एक प्रिज्म है, ये भी एक प्रिज्म है, ठीक है, ये भी एक प्रिज्म है। तो प्रिज्म तो आपने समझ ली, तो यहाँ कौन सी ऑप्शन से आप एक प्रिज्म बना सकते हैं? तो यहाँ ऑप्शन बिल्कुल बी नंबर है, डी 3 नंबर है, तो 3 नंबर से आप प्रिज्म बना सकते हैं। देखिए ये जो पर्सन है, इसको ऊपर उठा के फोल्ड करना, इसको भी फोल्ड करके ऊपर उठा देना, इस साइड को उठा देना, इस साइड को भी ऊपर उठा देना, तो आपको यह प्रिज्म मिल जाएगी, ठीक है, वो ट्रायंगुलर प्रिज्म हो गए। नेक्स्ट 3 नंबर देखिए, व्हिच ऑफ द नेट्स और कैन बी फोल्डेड टू फॉर्म ए कोन, आप कौन सी ऑप्शन से कोन बना सकते हैं? तो 3 नंबर देखिए, 4, ये 4 नंबर ऑप्शन है, देखिए कोन की जो निचली हिस्सा है, मतलब सरफेस है, वो बिल्कुल सर्कल की तरह होता है, वो एकदम सर्कल की तरह होता है, तो ये तो सर्कल की तरह ना, तो इसको फोल्ड करके यहाँ इसके साथ फिट की जाए ना, तो एकदम कोनिक बन जाएगी। देखिए बेटा कोन तो बिल्कुल ऐसी होते हैं ना, देखिए बेटा कोन, ये तो कोन हो रही है ना, ऐसे ही निचली हिस्सा तो ऐसे ही सर्कुलर होते हैं, मतलब ये बिल्कुल ऐसे ही एक सर्कल की तरह होते हैं,
मान लीजिए आइसक्रीम की जो बॉक्स है, तो यहाँ ऑप्शन फोर है, अच्छा बी नंबर ऑप्शन, टू नंबर थ्री है और तीन नंबर फोर नंबर ऑप्शन है, ठीक है। आप देखिए फोर नंबर बेटा, फोर नंबर देखिए, व्हिच ऑफ द नट्स कैन बी फोल्डेड टू फॉर्म ए क्यूबर, तो इनमें से कौन सी ऑप्शन से आप क्यूबर क्यूबर बना सकते हैं। वन नंबर देखिए, टू नंबर देखिए, ये फॉर्म, थ्री नंबर देखिए ये शेप, ये नेट है, फोर नंबर ये नेट है, इससे बना सकते हैं क्यूबर बना सकते हैं। इस यहाँ देखिए फोल्ड करने से दो फोल्ड हो गए, दो फोल्ड हो जाएगी, दो बार मुड़ेगी, दो बार मुड़ने से दो सर्फेस बन जाएगी, यहाँ से एक पर एक सर्फेस बनेगी, यहाँ से फोल्ड करें इस लाइन के थ्रू, ठीक है। तो तीन सर्फेस हैं, तो कीबोर्ड के लिए कितने सर्फेसेस होते हैं, छः सर्फेसेस, तो एक दो तीन चार सर्फेस, और इससे भी एक सर्फेस बनेगी, तो कुल मिला के आपको छः सर्फेसेस मिल रही है, ठीक है। बट अब फाइव नंबर देखिए, व्हिच ऑफ द नट्स कैन बी फोल्डेड टू फॉर्म ए सिलेंडर, आप सिलेंडर कैसे बना सकते हैं। देखिए फाइव नंबर देखिए, सिलेंडर की दोनों एंड्स में दो सर्कुलर मुंह होते हैं ना, इसको अगर फोल्ड किया जाए, एक्चुअली इसकी ऑप्शन वन है आंसर, इसको अगर ऐसे ही देखिए कागज़ के टुकड़े बना के प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं, ये जो टुकड़ा है रेक्टेंगुलर टाइप की, इसको राउंड कर देना, ठीक। तो यहाँ फोर नंबर के ऑप्शन क्या है, वन है, और फाइव नंबर के ऑप्शन भी वन है। अब सिक्स नंबर देखते हैं, यहाँ मैच कराना, मैच दी टू कॉलम्स, दोनों कॉलम्स मैच कराना। तो वन नंबर देखिए वर्टेक्स, तो वर्टेक्स की डेफिनेशन यहाँ दी गई है, तो वन सर्कुलर बेस, तो वर्टेक्स की तो सर्कुलर बेस की कोई बात ही नहीं, तो टू बेसिस नहीं होते, या पॉलीहेड्रॉन, नहीं नहीं इससे पॉलीहेड्रॉन की बात नहीं, सर्कल वर्टेक्स की डेफिनेशन यहाँ देखिए, सिक्स बेसिस नहीं हो रही है, थ्री डी सॉलिड नहीं हो रही। तो एफ नंबर देखिए, द पॉइंट व्हेयर थ्री और मोर एजेस ऑफ ए पॉलीहेड्रॉन मीट, तो जहाँ तीन या तो तीन से ज़्यादा फेस मिलती है जिस पॉइंट पर, इसको क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। तो बेटा तुम्हारे सिक्स की वन नंबर ये मैच करती है एफ के साथ। अब नेक्स्ट टू नंबर देखिए पॉलीहेड्रॉन, देखिए यहाँ ई नंबर में पॉलीहेड्रॉन एक थ्री डी शेप है, थ्री डी सॉलिड विथ ए पॉलीगोनल फेसेस, जिसकी फेस पॉलीगोनल होते हैं, इसको कहते हैं पॉलीहेड्रॉन। तो देखिए पॉलीहेड्रॉन का डेफिनेशन थ्री डी सॉलिड विथ पॉलीगोनल फेसेस, पॉलीगोनल फेस होते हैं जिसकी थ्री डी शेप की, ठीक है। तो ये पॉलीहेड्रॉन है, पॉलीहेड्रॉन में आती है टेट्राहेड्रॉन, डोडेकाहेड्रॉन वगैरह वगैरह चीज़ आती है, ठीक है। तो ये आपको क्लास एट की मैथ शहर में मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा तो टू नंबर मैच कर रही है ई नंबर के साथ, तो टू ई नंबर के साथ मैच हो रही है, ठीक है। अच्छा बेटा आप थ्री नंबर देखिए, क्यूबर्ड, क्यूबर्ड किसको कहते हैं, तो एक्चुअली क्यूबर्ड की डेफिनेशन यहाँ देखिए, क्यूबर्ड की छः फेसेस होते हैं, आठ वर्टिसेस होते हैं, मतलब कोना होते हैं, और बारह एजेस होते हैं। तो यहाँ कौन से ऑप्शन में है, डी नंबर में, देखिए सिक्स फेसेस, एट वर्टिसेस एंड ट्वेल्व एजेस, तो थ्री नंबर डी के साथ मैच कर रही है, थ्री नंबर डी के साथ, ठीक है। अब फोर नंबर की प्रिज्म, प्रिज्म किसको कहते हैं, प्रिज्म तो मैंने आपको देखा दी ना, तो यहाँ देखिए प्रिज्म की डेफिनेशन क्या है, देखिए सी नंबर एफ पॉलीहेड्रॉन विथ पॉलीगोनल बेसिस एंड रेक्टेंगुलर फेसेस, मतलब एक रेक्टेंगल की तरह होते हैं या फिर स्क्वायर की तरह होते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ को प्रिज्म कहते हैं, प्रिज्म की बेस दो है, तो वैसे ही पिरामिड और प्रिज्म में डिफरेंस ये है कि प्रिज्म की बेस दो है और पिरामिड की एक है। तो फोर नंबर मैच कर रही है सी के साथ। अब बेटा फाइव नंबर देखिए, फाइव नंबर क्या कह रही है, एक सिलेंडर, तो सिलेंडर जिसकी दो सर्कुलर एंड्स होते हैं और एक कार्ड सरफेस होता है, ठीक है। तो यहाँ कहाँ पे वन सर्कुलर बेस एंड वन बटे, नहीं ये हो नहीं नहीं होगी, टू नंबर बी नंबर देखिए टू बेसिस, हाँ टू बेसिस मिल गई, व्हिच आर कॉन्ग्रुएंट सर्कल, ठीक है। सिलेंडर की दोनों एंड में जो दो बेसिस होते हैं, ये दोनों बेसिस सर्कल की तरह है और बराबर कॉन्ग्रुएंट, मतलब सेम सेम सर्कल की होते हैं। तो फाइव नंबर की बी है आंसर भाई, फाइव नंबर के आंसर बी है। सिक्स नंबर कह रहे कौन, तो कौन क्या कहते हैं, कौन तो आपने देख ली ना कौन, अच्छा यह नंबर देखिए वन सर्कुलर बेस एंड वन बटक्स, ठीक है। वन बटेक्स होते हैं कौन की, वन सर्कुलर बेस और वन बटेक्स होते हैं, देखिए ये कौन है, ये सर्कुलर बेस है, ये बेस तो सर्कुलर है और वन बटेक्स एक ही बटेक्स यहाँ पे है, इसको बटेक्स कहते हैं, ठीक है। तो सिक्स नंबर ए के साथ मैच कर रही है, तो सिक्स के आंसर मैचेबल है ए के साथ। तो बेटा ये एक्सरसाइज खत्म हो गया, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में मतलब टू में मैंने प्रैक्टिकली दिखा दूंगा कुछ प्लास्टिक की चीज़ों से, ठीक है। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, आपके सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, धन्यवाद।